हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका EHI 05 का है, इंडियन फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, 1800 से 19वीं शताब्दी के बीच का। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ, और आज हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं जो दिसंबर 2017, और इसी तरह से दूसरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर होगा जून 2019, और उसके बाद दिसंबर 2018, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, और फिर जून का लेटेस्ट कर लेंगे, और इससे समझ में आ जाएगा पैटर्न कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है तो टॉपिक कौन कौन सा रिपीट हुआ है, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सेक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेक्शन, ठीक है। जैसे इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि 3 खंड हैं, और फर्स्ट सेक्शन में से 2 प्रश्न आपको करने हैं 500 शब्दों में, ठीक है, और सेकंड खंड में से 4 क्वेश्चन करने हैं 250 वर्ड्स में, और जो सेकंड थर्ड सेक्शन है उसमें से 2 में से संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी, नोट्स लिखने 100 वर्ड में। तो इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, रैतवारी, महलवारी, राजवस्त, बंदोबस्त की समानताएं तथा असमानताएं बताना है, यानी रैतवारी व्यवस्था और महलवारी जो राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था थी उसमें क्या समानताएं, सिमिलरिटीज थी, और डिसिमिलरिटीज यानी कि समानताएं असमानताएं आपको बताना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था, मराठा प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी में उपन्यास के साहित्यिक विधा के रूप में उपयोग पर टिप्पणी लिखना है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप तथा महत्व की विवेचना करना है, ओके। फिर यहाँ पे सेक्शन आ जाते हैं सेकंड में, हिंदी उर्दू विवाद पर टिप्पणी करना है आपको, अनौद्योगिकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठनात्मक ढांचे की विवेचना कीजिए, 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं आपको, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में राजा राम मोहन राय के योगदान की विवेचना करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, 1833 या फिर 1853 के यानी 1833 या 1853 के जो चार्टर अधिनियम थे उनके बीच अंतर स्पष्ट करना है, 2 चार्टर अधिनियम आए थे 33 में और 53 में, अब क्या इनके बीच अंतर था स्पष्ट करना है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की विवेचना करना है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया क्या उनमें सफलता मिली इसकी विवेचना करना है, और 1857 से पहले के जन आंदोलन के स्वरूप का विश्लेषण यहाँ पे करना है, इनमें से इतने में से 4 क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं टिप्पणी, टिप्पणी आपको 100 वर्ड में करना है, सन्यासी विद्रोह, आर्य समाज, प्राच्यवादी और ब्रिटिश शिक्षा नीति, इनमें 2 में से आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं आपका दिसंबर 2018 का। अब इसमें देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो क्वेश्चन तो नहीं लेकिन उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी राज्य में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रकृति की विवेचना करिए, इनमें कृषकों में असमानता पैदा हुई। देखिए वही है, वाणिज्यीकरण का पहला क्वेश्चन आपका, उसमें भी वाणिज्यीकरण के बारे में आया था और इसमें भी देखिए वाणिज्यीकरण आ गया, यानी कि वाणिज्यीकरण आपको अंग्रेजी राज्य में पढ़ना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रयुक्त वाणिज्यवादी नीतियों की क्या विशेषताएं थी। अब देखिए यहाँ पे वाणिज्यीकरण आ गया जो कृषि के लिए हो गया वाणिज्यीकरण, और यहाँ पे वाणिज्यवादी यानी कि जो आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया, और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब आप वाणिज्य पढ़ेंगे तो दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी वाणिज्यवादी और वाणिज्यीकरण यानी अर्थव्यवस्था और कृषि दोनों को आपको पढ़ना है, लेकिन टॉपिक एक ही है, वह है वाणिज्यवाद यानी वाणिज्य, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सिमिलरिटी है, अभी दोनों क्वेश्चन हमने देखा है 17 का और 18 का। क्या मैसूर में राज्य सत्ता का निर्माण युद्ध और सन्नीकरण से हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैसूर से संबंधित आ गया। 19वीं शताब्दी में भारतीय विचारों पर पश्चिमी ज्ञान के प्रभाव की समीक्षात्मक विवेचना करना है, भारतीय विचारों पर पश्चिमी ज्ञान का, यानी ये वही है जो आपका भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन आपका था जो चार्टर एक्ट लाया गया था, ओके, मैं अभी जस्ट आपको दिखाती हूँ, ये जो चार्टर एक्ट था 1833 और 53 का था, हमने इसमें देखा था ना,
बिल्कुल यही, ये देखिए यहाँ पे देखिए चार्टर, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द चार्टर एक्ट 1833 एंड 1853, ये यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि चार्टर एक्ट शिक्षा के लिए लाया गया था, तो भारतीय विचारों पर पश्चिमी ज्ञान के प्रभाव के समीक्षात्मक विवेचना करना, नहीं चार्टर एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। महलवारी भूमि व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, और देखिए इस वाले इसके पहले वाले पेपर में भी महलवारी और रहतवारी दोनों का दिया था, दोनों में समानताएं समानताएं बतानी थी, और इसमें सिर्फ महलवारी पूछ लिया, यानी ये भी भूमि व्यवस्था भी आपको पढ़ना है, जो उसमें भूमि व्यवस्था है उस वक्त की, महलवारी, रहतवारी, बंदोबस्त भूमि, स्थायी बंदोबस्त भूमि व्यवस्था, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, अनौद्योगिकरण भी था, सभी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुए हैं। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था की प्रकृति की विवेचना कीजिए, और कहीं कहीं पे न्यायिक व्यवस्था ना करके अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था पूछ लेता है, वाणिज्यिक व्यवस्था पूछ लेता है औपनिवेशिक भारत में, तो क्वेश्चन जनरली सेम ही है। 1858 के चार्टर अधिनियम में क्या परिणाम हुए, अब देखिए यहाँ पे 1858 में 1858 के चार्टर अधिनियम का भी क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछ लिया, सिर्फ 1858 का पूछा है, यानी कि सिमिलरिटी है क्वेश्चन में, उसमें 1858-53 में क्या अंतर था और क्या समानताएं असमानताएं थी ये पूछा था, इसमें सिर्फ 1858 का चार्टर अधिनियम ले लिया, यानी चार्टर अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोनों साल का, यानी 1833 का और 1858 का। ओके, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की प्रकृति की विवेचना कीजिए, विद्रोह की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार था, यानी 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके नेतृत्व किन किन लोगों ने किया था, किस तरह से नेतृत्व किया गया था, क्या रणनीतियां अपनाई गई थी, इसको आपको बताना है, और साथ ही साथ में 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हुआ तो क्यों असफल हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका बन जाता है, साथ में कौन कौन से कारण थे 1857 के विद्रोह के होने के, ये भी लगे हाथ पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि इस बार, अभी तो हमने जून 2019 का देखा नहीं है, देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें कहीं 1857 के विद्रोह के कारण भी ना पूछा हो, तो देख लीजिएगा। सती और विधवा पुनर्विवाह के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का क्या रवैया था, 18वीं शताब्दी के मध्य में अवध किस प्रकार से स्वायत्तता की ओर अग्रसर हुआ, और भारतीय भाषाओं में नई कविता के विकास पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी करना है आपको। ओके, इसमें से 4 क्वेश्चन करने थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, और 2 पर लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ब्रह्म समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और फितना, ये क्या कहलाता है, इस पर करना है। ओके, चलिए अब हम ले लेते हैं आपका जून 2019 का, ठीक है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, कि अब इसमें देखते हैं कि जो लेटेस्ट अभी अभी जस्ट पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर कौन से रिपीट हुए हैं, इससे पता चल जाएगा। देखिए, मैसूर और हैदराबाद में राज निर्माण की प्रकृति इस प्रकार से भिन्न थी, 2018 का जो हमने देखा उसमें भी मैसूर से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसमें मैसूर के साथ हैदराबाद जोड़ दिया, मैसूर के साथ में हैदराबाद को भी देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दो बार ये एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी एक अंधकारमय युग था, चर्चा कीजिए, ये भी आपको 18वीं शताब्दी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हिंदू उर्दू विवाद की रूपरेखा पर टिप्पणी लिखे, देखिए अब 2019 में बिल्कुल अलग कर दिया, अब इसमें से अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मिला हुआ हो, सिर्फ मैसूर और हैदराबाद एक जो ऐसा मिलता जुलता हुआ है, ठीक है, हिंदी उर्दू विवाद की रूपरेखा पर टिप्पणी करना है, क्या स्थायी बंदोबस्त अपने उद्देश्यों में सफल रहा, देखिए पहले के क्वेश्चन में क्या था, महलवारी रैतवारी व्यवस्था के बारे में पूछा, फिर एक में सिर्फ महलवारी के बारे में पूछा, अब जो आपका भी जस्ट एग्जाम पिछला हुआ है इसमें सीधे इसने स्थायी बंदोबस्त को उठा लिया, जो मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है भूमि से संबंधित है, तीनों चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, महलवारी, रैतवारी और स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना, किन उद्देश्यों में सफल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ओके, टॉपिक वही है आपका, व्यवस्था संबंधित, भूमि व्यवस्था। 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा, अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं क्यों असफल रहा, एक क्वेश्चन था, और साथ में इसके नेतृत्व पर चर्चा करना था, अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चन दे दिया क्यों असफल रहा, इतना आपको चर्चा करना है, यानी टॉपिक 1857 हो गया क्वेश्चन। बर्मा के प्रति ब्रिटिश नीति की प्रकृति पर टिप्पणी करिए, अभी मैसूर हैदराबाद था, अब देखिए बर्मा आ गया इसमें, क्या ब्रिटिश भारत में कानून पर आधारित शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ स्थापित करना चाहते थे, इस पर आपको एक टिप्पणी करना है, कि जो ब्रिटिश है वो भारत में कानून पर आधारित शासन स्थापित करना चाहते थे, कानून के हिसाब से शासन किया जाए, इस पर एक टिप्पणी करना, जो किसी भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। रैतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, लीजिए आ गया, अलग क्वेश्चन दे दिया रैतवाड़ी, इसलिए आपको भूमि बंदोबस्त व्यवस्था जितने भी अंग्रेजों ने चलाई है, रैतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी भूमि बंदोबस्त, ये सभी आपको पढ़ना होगा।
क्या रिकार्डो का लगान संबंधी सिद्धांत भारत में सफलतापूर्वक अमल में लाया गया, इस पर चर्चा करना है। और भारत में प्राच्यवादियों की परिकल्पना और गतिविधियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्राच्यवादी शिक्षा से संबंधित है। मैकाले का जो आपका सिद्धांत था शिक्षा नीति को लेकर के, ये प्राच्य और पाश्चात्यवादी दो विचारधाराएं बट गई थी, इनमें आपको प्राच्यवादियों की परिकल्पना पर यहाँ पे डिस्कस करना है। भारत में राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार आंदोलन में संक्षिप्त टिप्पणी करना है, चर्चा करनी है। देखिए पिछला क्वेश्चन भी हमने देखा था राजा राम मोहन राय के बारे में भी था, और एक और क्वेश्चन देखा था सामाजिक सुधार आंदोलन से था, और एक देखा था सती प्रथा से था। यानी टॉपिक एक ही है, सती प्रथा, सामाजिक सुधार आंदोलन, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्या 1833 का चार्टर एक्ट अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा? देखिए चार्टर एक्ट 1833 आ गया। सबसे पहले हमने तीनों को देख, दोनों को देखा, 1833 1853 देखा, फिर नेक्स्ट ईयर में हमने 1858 देखा, यानी ठीक है 1858 को देखा, फिर उसके बाद देखिए 1833, यानी क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। चार्टर एक्ट से आपको ये पढ़ना ही पढ़ना, ऐसे ही आपको भूमि व्यवस्था में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे टिप्पणी करना, 18वीं शताब्दी में अवध, सन्यासी विद्रोह, अंग्रेजों की शिक्षा नीति, अंग्रेजों की शिक्षा नीति चार्टर एक्ट, या फिर मैकाले का कह लीजिए प्राच्यवादी हैं, या फिर अंग्रेजों के अधीन न्यायतंत्र। अब इसमें कॉमन क्या है, क्या आपको पढ़ना है इसमें, मैं बता दूं 1857 जो स्थाई भूमि के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी वो आपको पढ़ना है, तीनों महलबारी, रैतबारी और जो आपका स्थाई बंदोबस्त है वो आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ में सामाजिक सुधार भी आपको पढ़ना ही पढ़ना इसमें है, और चार्टर एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना इसमें है, ठीक है ना। और औपनिवेशिक कार आपको पढ़ना है, और औपनिवेशिकरण के बाद आपको यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, यानी वाणिज्यिकरण आपको पढ़ना है। यदि आप कुछ टॉपिक जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूं उनको उठा के भी 7-8 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं इन टॉपिक से, तो आप पास हो जाएंगे। बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो इन टॉपिक को सभी डीपली पढ़ लीजिए। भूमि बंदोबस्त आपको पढ़ना, भूमि व्यवस्था के बारे में जो अंग्रेजों ने बनाए थे, तो जितनी भी भूमि व्यवस्था है जैसे कि रैतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, उनको पढ़ लीजिए। फिर औपनिवेशीकरण किस तरह से हुआ, उसका प्रभाव कृषि पर क्या पड़ा, वाणिज्यिकरण का प्रभाव कृषि पर क्या पड़ा, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा, इस तरह से आप इनको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।